जी नमस्कार, आप देख रहे हो एसटीवी न्यूज़। मैं हूँ आपका नारायण सिंह चौहान। आइए देखते हैं आज की खास खबर क्या है। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहाँपुर के थाना बड़ा क्षेत्र ग्राम बाले मऊ के ग्रामीणों ने कई वर्षों से रोड ना बनने पर आने वाले लोकसभा चुनाव का किया बहिष्कार व जमकर किया प्रदर्शन। ग्रामीणों ने बताया कि कई वर्षों से हमारे यहाँ की मुख्य सड़कें टूटी पड़ी हैं, जो आज तक नहीं बनवाई हैं। हर बार यहाँ के क्षेत्रीय नेता, सांसद व विधायक लोग आकर चुनाव के समय वोट मांगते हैं व लोगों के विकास के नाम पर वायदा करते हैं। जब जीत जाते हैं तो दोबारा गांव के आने का नाम तक नहीं लेते और अपने वायदे भूल जाते हैं। इसलिए हम सभी लोग आज आने वाले लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे। आज जो प्रदर्शन आप लोगों ने किया, लोकसभा चुनाव बहिष्कार किया, इस बारे में क्या आप कह रहे हैं? ये इसका उद्देश्य ये है कि हमारे ये मुड़िया कुर्मिया से लेकर के बतिहा रंजनपुर तक का जो खड़ंजा पड़ा हुआ है ये बिल्कुल 20 साल पुराना है, बिल्कुल जर्जर हो चुका है। इस पर ना तो हम गाड़ी से निकल सकते हैं और ना बाइक से निकल सकते हैं। ट्रैक्टर ट्रालियाँ जाते हैं तो उनको पलटने का, एक्सीडेंट होने का बहुत डर बना रहता है। इसलिए अभी तक किसी जनप्रतिनिधि ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं, 4-5 गाँव के लोग एकत्रित हुए हैं और अगर ये रोड नहीं बनता लोकसभा चुनाव तक तो हम वोट नहीं करेंगे। वोट नहीं तो वोट नहीं, चुनाव का बहिष्कार। और अगर ये नहीं होता है तो हम लोग गांव-गांव जाकर के विरोध करेंगे और वोट नहीं पड़ेगा, वोट नहीं पड़ेगा जब तक ये रोड नहीं। इससे पहले कि आपके क्षेत्र में कभी सांसद या विधायक आए हैं क्या? हाँ, जब इलेक्शन टाइम आते हैं, इलेक्शन के बाद इस रोड से कोई नहीं आता और ना जनता की समस्या इस रोड से संबंधित कोई सुनना चाहता है। क्या नाम? मेरा नाम रघुवीर सिंह है। कहाँ रहते? मैं पास में ग्राम पंचायत गुलौली का पूर्व प्रधान हूँ। हम लोगों को यहाँ आए हुए लगभग 50 वर्ष हो गए हैं और तब से हम लोग यहाँ वोट देते चले आ रहे हैं। और ये जो इलाका बचा हुआ है, यहाँ जानी मानी हस्तियाँ भी हैं, लेकिन यहाँ जब कोई भी किसी नेता का प्रोग्राम रखा जाता है, यहाँ नेता को बुलाया जाता है तो पूरा आश्वासन देकर जाता है कि मैं इस बार आपकी ये रोड जो है बिल्कुल ऐसी बना दूंगा कि दोबारा इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज तहसीलदार साहब जब यहाँ मौके पर आए हैं, जब हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है इस रोड के संबंध में, तो तहसीलदार की गाड़ी जो आई है तो तहसीलदार साहब ने खुद इस चीज को महसूस किया है कि ये रोड कैसा है। और अब आगे आने वाले समय में नेता लोग फिर आएंगे और वही बात कहकर चले जाएंगे कि हम इस रोड को बनवा देंगे। लेकिन हम सब लोग जो हैं इसी आश्वासन में फिर बह जाते हैं और मान लेते हैं और वोट दे देते हैं। इस बार भैया लोगों, हम सब जितने भी हैं, जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक हम वोट नहीं देंगे। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो। किसानों की समस्याओं को लेकर आज ज्ञापन दिया गया आपको? ज्ञापन में माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित है।